जनता के साथ मिलकर 5 साल एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 15 साल जो हमने काम किया, अब एक नई भूमिका में उतने ही प्रखरता से उतनी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का जो अवसर मिलेगा उस पर हम छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करेंगे। और सभी को मैं इस अवसर पर जिन्होंने इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का जितना प्रेम, जितना सहयोग, जितना समर्थन मिला, मैं जीवन भर काम करता रहूँगा, तो उस ऋण से मैं उलट नहीं हूँ। सर, 15 साल का डेवलपमेंट मॉडल लेकर आप लोगों के बीच पहुँचे थे, आखिर चूक कहाँ रह गई? कुछ इसकी समीक्षा पार्टी ने किया है या? इसका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका एनालिसिस हम लोग बैठ के पार्टी के अंदर बैठेंगे। जो हमारे इलेक्शन कैंपेनिंग में जितने लोग लगे थे, जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं, संगठन के लोग हैं, सरकार में जो लोग थे, सबके साथ बैठेंगे और इसकी चर्चा करेंगे कि कमी रही तो कहाँ रही और उसको आगे कैसे हम ठीक करें। आपने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि डबल एंटी इनकम्बेंसी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसी की वजह से ये राज्य सरकार का चुनाव होता है। राज्य सरकार की नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, राज्य सरकार के कार्यक्रम के आधार पर लड़ा जाता है। इसलिए राज्य सरकार अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ी, अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ते हैं। ये कोई दिल्ली का चुनाव नहीं, दिल्ली का चुनाव 2019 को होगा, फिर उतने ही मजबूती से हम लड़ेंगे। सर, कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा? घोषणा पत्र को लेकर हर समय बात आई थी। अब क्या विषय था इसके लिए, आज सारी बातों का एनालिसिस मैं नहीं कर सकता जब तक हम लोग बैठ कर इन सारे बिंदुओं को विचार करें। पार्टी हाईकमान को इसके बारे में कुछ बात करेंगे। सर, आपको लगता है ये जो मैंडेट आ जाएगा इसका 2019 के इलेक्शन पे कुछ बियरिंग पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे? लोकसभा में इसका क्यों असर पड़ेगा, क्योंकि हम स्थानीय मुद्दे पे लड़े थे। जब प्रधानमंत्री चुनने का अवसर आएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो उसमें एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चुनाव होता है। उस संदर्भ में फिर मोदी जी के सामने कौन खड़ा है, कौन प्रधानमंत्री का दावेदार, उस आधार से मतदान होगा।